चारमीनार के दामन में वाक़े गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स की जानिब से मोदी हुकूमत के मुतनाज़ा खवानीन CAA, NPR और NRC के ख़िलाफ़ पिछले 57 दिनों से लगातार एहतजाज जारी है। निज़ामिया तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स, जिनमें बड़ी तादाद में ख़वातीन भी मौजूद थी, इन मुतनाज़ा खवानीन मुखालिफ नारे लगाते हुए CAA के ज़िमन में जारी भारत सरकार की गज़ट की कापी को फाड़कर और फिर उन्हें जलाकर एहतजाज दर्ज करवाया। हॉस्पिटल के अहाते में खातून स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद ने इंसानी जंजीर बनाते हुए मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह के ख़िलाफ़ भी जमकर नारेबाजी की। आइए देखते हैं एहचन न्यूज चैनल के नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में, तो उनको सिटीजन देने के लिए ये लॉ लाया गया है। लेकिन आप पूरे इसको जो पढ़ते हैं तो आपको सेकंड लाइन मुस्लिम का वर्ड चल हर जगह आपको चल नजर आता है, तो चल के पीछे क्या राज है आपको मालूम करना बहुत जरूरी है। आज यहाँ पर निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने आफ्टर क्लासेस यहाँ जमा होकर ये जो ब्लैक लॉस ला गए हैं, जो CAA और NRC की शक्ल में है और NPR उसका एक छुपा हुआ रास्ता है, एस्केप रूट है जहाँ से वो पीछे से घुसना चाहते हैं, तो इसके खिलाफ यहाँ आज हम यहाँ पर जमा हुए और जमा होकर यहाँ पर उन मैनुअल्स को फाड़ा गया और जलाया गया, क्योंकि ये हिंदुस्तान के देश को जला रहा है हमारे, इसलिए हम यहाँ पर इसको जलाकर ये बताना चाहते हैं कि देश नहीं जलेगा बल्कि ये कागजात जलेंगे, ये वो सोच जलेगी जिसके पीछे ये सोच है, जो मैनुअल तैयार की है उस सोच को जलाने की जरूरत है, ना कि हिंदुस्तान को जलाने की। जो ये मैनुअल्स है हिंदुस्तान को जला देंगे, इसलिए हम यहाँ पर समझते हैं, हमारा पढ़ समझते हैं कि ऐसे लॉस को जलाया जाए, इन लोगों को वापस लिया जाए, वरना देश नहीं बचेगा। हम लोग यहाँ पर लगातार तकरीबन 56 डेज से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारा मानना यही है कि यहाँ का प्लूरलिज्म और इतिहास बचा रहे, यहाँ की गंगा जमुना तहजीब बची रहे, यहाँ पर जो लोग सब मिलकर रहते हैं ये वो मिलनसार लोग हैं जो आपस में 1947 के बाद से भी और हमेशा यहाँ पर मिलकर रहे हैं। ये वो मिलनसार लोगों के दिलों में एक वहशत पैदा कर एक रूमर्स क्रिएट कर एक गलत चीजें प्रोपेगेंडा क्रिएट कर लोगों को तोड़ना चाहती है, भाजपा की सरकार हो या RSS हो। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग इनके इसका जवाब मोहब्बत से देंगे और ये पीसफुल प्रोटेस्ट से देंगे और ये पीसफुल प्रोटेस्ट उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये लॉक रिवोक नहीं होते और ऐसी मानसिकता शहरों से और गांवों से रोडों से वापस नहीं होती, फिर से वो माहौल जो गांधी अंबेडकर नेहरू ने देखा था वो कानून फिर से वापस नहीं आता। और ये लोग कल की स्पीच में देख रहा था, अमित शाह मुखातिब होते हुए कहते हैं कि हमने वो जो जंग लड़ी थी मंदिर के लिए, आज हम वहाँ पर आसमान को छूता हुआ मंदिर बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर रोजगार की एक बहुत बड़ी इमारत बन चुकी है, उसको तोड़ने की जरूरत है। रोजगार यहाँ पर नहीं है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, उसको तोड़ने की जरूरत है। आज वुमेन्स के ऊपर अटैक्स और हरासमेंट बढ़ते जा रहे हैं, रेप के केसेस एवरी 20 मिनट्स में एक रेप का केस होता है, उसकी वैसी इमारतें आप यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। जरूरत आज ऐसी मोनूमेंट्स और ऐसे रिलीजियस प्लेसेस की जरूरत नहीं है, आज जरूरत रोजगार की जरूरत है। लोगों को इबादत करने के लिए तो हर जगह इबादत गाहें हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि लोगों को इबादत गाह जाने के लिए जो राह हमवार होती है वो पहले अगर वो रोजगार होगा उनके पास नौकरी होगी, उनके पास अमन और शांति होगी, तभी जाकर वो कुछ लोग को कंट्रीब्यूट करेंगे, कोई रिलीजियस प्लेस को जाकर दान देंगे। आप जाकर सिर्फ गवर्नमेंट के पैसे से ऐसी इमारतें खड़ा करेंगे तो क्या लोगों को हासिल होगा, क्या सोशल फैब्रिक क्रिएट सही होगा, क्या यहाँ पर रोजगार क्रिएट होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है जो हम। हमारे HN News को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।